रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय बौद्ध महासभा जैसे आंबेडकरी संगठनों के बाद अब दिशा भूमि का कामकाज संभालने वाली स्मारक समिति में भी आंतरिक गुटबाजी देखी जा रही है। समिति के सचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष भदंत आर्यन नागार्जुन सुरई ससाई समिति के विश्वस्तों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर गवई ने समिति के पूर्व सचिव सुधीर फुलझेले पर भी आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भदंत ससाई एक वर्ष से विश्वस्तों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाल ही में बुलाई गई गवर्निंग बॉडी की सभा से भी वे बिना कोई निर्णय लिए चले गए। उन्होंने कहा कि दीक्षा भूमि पर अंडरग्राउंड पार्किंग के समझौते पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने इस समझौते को रद्द करने के लिए ट्रस्टियों को परेशान किया था। अगर अध्यक्ष ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया तो उन्हें पद से हटाने का निर्णय ट्रस्टी ले सकते हैं। नर्मदा आयुक्त से भी शिकायत की गई है। इस अवसर पर समिति के विश्वस्त विलास गसघाटे, NR सुटे, मदंत नागदीपांकर उपस्थित थे। या महिन्याला बैठक झाली। दुर्दैवाला या बैठकीमध्ये केवळ 10 मिनिटं थांबून मिळून दिले, बाकीचे सगळे सदस्य होते। आम्ही काही निर्णय घेतो 11-12 तारखेला धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आहे। 11-12 तारखेला कोणताही राजकीय नेता यावेळेस आम्ही तिथे बोलावणार नाही। 2 दिवसाचे कार्यक्रम आहे, सगळे बौद्ध भिक्षू करतील। दुसरी महत्वाची गोष्ट, अध्यक्ष कायमस्वरूपी जो स्टेज आहे म्हणजे कायमस्वरूपी स्टेज आहे तो स्टेज बनवण्यामध्ये जास्त लक्ष करतायत। काही गडबडी काही गडबडीमध्ये आज तात्काळ खड्डे बुजून जे काही अनुभव येतात त्यांच्या सुख सोयी त्यांच्या सुविधा या करणं हे आमच्यासाठी प्राधान्य राहील। आम्ही त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला कोऑपरेट करावं, अन्यथा आमच्याकडे मेजॉरिटी आहे, आम्हाला विचार करावा। त्याच्यासाठी कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। ओ सेट माय सेल्फ फ्री, I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.